साथियों, बाल विकास की आज के हमारी द्वितीय क्लास है, सेकंड क्लास है। हमने क्लास फर्स्ट में बाल विकास में वृद्धि और विकास के बारे में अध्ययन कर लिए हैं। वृद्धि और विकास के आयाम, वृद्धि विकास को प्रभावित करने वाले कारक पर भी हमने बात किया था, साथ ही साथ हमने क्रियात्मक कौशल भी देख लिया है पहले में, ठीक है। आज की हमारी क्लास दूसरा है, इसमें हम आज चर्चा करने जा रहे हैं विकास की अवस्थाओं पर, वंशानुक्रम तथा वातावरण, जिसे प्रकृति और पोषण का नाम भी दिया गया है, इस पर भी मैं चर्चा करूंगा। साथ ही साथ मैं बात करूंगा वृद्धि और विकास में क्या अंतर होता है एवं समाजीकरण की प्रक्रिया पर भी मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं। आज के इस वीडियो के बाद आपके वृद्धि और विकास से जुड़ा हुआ सभी टॉपिक समाप्त हो जाएगा। तो चलिए सीधे वीडियो पर आते हैं। सबसे शुरू में बात कर रहा हूं आज की सेशन की, तो हमारे साथ पढ़ने का जो अंदाज है आपको शानदार मिलेगा। साथियों, हमारा उद्देश्य है कि हर वो अवधारणा हम आपके दिमाग में, आपके मन मस्तिष्क में बैठा दें। तो आइए सीधे वीडियो पर आते हैं। विकास की विभिन्न अवस्थाओं से हम शुरुआत करते हैं, स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास की अवस्थाएं भी इसको कहा जाता है। विकास की विभिन्न अवस्थाएं हैं, तो विकास की जो अवस्थाएं होती है प्रमुखतः चार अवस्थाएं होती है। सबसे पहले है गर्भावस्था, जिसे प्रसव पूर्व अवस्था कहा जाता है। दूसरा है शैशवावस्था, तीसरा है बाल्यावस्था और चौथा है किशोरावस्था। ये सामान्य अवस्थाएं हैं। इसके अलावा साथियों, आपका रॉस महोदय ने भी अपने तरीके से अवस्थाओं को बांटा है, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन ये मुख्य हैं चार अवस्थाएं, और इन्हीं अवस्थाओं से जुड़ा हुआ आपके सवाल आते हैं, पेपर में प्रश्न आते हैं, चाहे आपका सीजी टेट सी टेट हो या शिक्षक भर्ती हो। सबसे पहले मैं बात करूं गर्भावस्था, ये गर्भावस्था होता क्या है। तो 9 माह या 280 दिन का होता है। कब से एक माँ के गर्भ माँ जो लड़का पले के चालू होते ना संगवारी हो, अर्थात जब भ्रूण बनते माता के गर्भ माँ, तो वही दिन से पूरा 9 महीना के छवारी है, वह कही था ना भाई 9 महीना के छवारी, तब बस वही 9 महीना के जो लड़का पेट में रहते ना माता के, और वह 280 दिन या 9 महीना कहलाते। और वही 9 महीना के जब शुरुआत के दिन है, एकदम छोटे से बीज के रूप तरह रथे, भ्रूण के रूप में रथे, अब भ्रूण से डिम्ब बनते, डिम्बावस्था से फिर वो बढ़ते बढ़ते एक शिशु के रूप में 9 महीना के बाद जन्म लेता है। तो वही जो एक माँ के पेट की में जो बच्चा बनता है, बढ़ता है, वही अवस्था गर्भावस्था कहलाता है, ठीक है। गर्भावस्था देखो, गर्भ धारण होने से लेकर जन्म तक के 9 माह के समय इस अवस्था को कहा गया है, ठीक है भाई। ये गर्भावस्था है, इसकी ज्यादा विशेषता नहीं है, केवल आपको उम्र सीमा को याद रखना है, 9 माह या 280 दिन होता है। आपके प्रश्न आएंगे तो गर्भावस्था की उम्र सीमा कितनी होती है, तो 9 माह या 280 दिन होता है, ठीक है भाई। दूसरी अवस्था आती है शैशवावस्था, मोस्ट इंपॉर्टेंट अवस्था है भाई, इनसे जुड़ा हुआ लगातार प्रश्न आ चुका है। तो शैशवावस्था की उम्र जन्म से 2 वर्ष, अर्थात जैसे ही बच्चा जन्म लिया उसी दिन से, अर्थात 0 वर्ष से 2 वर्ष भी हम इसको कह देते हैं। तो जन्म से 2 वर्ष तक की जो अवस्था है उसको शैशवावस्था का नाम दिया गया है। अब इस अवस्था की विशेषता देखो, चूंकि भाई 0 से 2 वर्ष तक का जो बच्चा है वह एकदम नान बुटी लड़का रहते, और जब वो छोटे से लड़का रहते संगवारी हो, तो वो अपन कामला का नान बुटी लड़का है, 1-2 साल के खुद कर सके का जी, नहीं कर सके। तो वो पूर्णतः माता पिता पर निर्भर रहता है, ठीक है। शैशवावस्था की सबसे बड़ी प्रमुख विशेषता तो यही हो गई। देखो उम्र को याद करो, उम्र को याद रखो, विशेषता अपने आप दिमाग में
उसकी छवि बनने लगेगी। भाई एक शैशवावस्था मतलब 2 वर्ष का बच्चा है तो पूर्णतः माता पिता पर निर्भर रहेगा, व्यवहार उसकी मूल प्रवृत्ति पर आधारित है। देखो उनकी जो प्रवृत्ति है ना वैसा ही उनका जो व्यवहार आपको देखने को मिलता है। इसमें जिज्ञासा अधिक होती है। देखो ये जो छोटे से बच्चे है ना उसमें जिज्ञासा होती है। अब एक शिशु जो है अपनी जिज्ञासा को कैसे शांत करता होगा साथियों, जान रहे हैं? देखो वो अपने इंद्रियों के माध्यम से जिज्ञासा को शांत करता है एक शिशु। कैसे? इंद्री 5 प्रकार की होती है आप जान रहे हैं। अब इन 5 इंद्रियों में से किसी न किसी का उपयोग करता है वो जिज्ञासा को शांत करने के लिए। कैसे? कोई भी जैसे बच्चा लेटा है बेड में, उसको मान लीजिए आपने कोई पेन पकड़ा दिया। अब जैसे ही आप उसके हाथ में पेन पकड़ाते हो बच्चा उसको देखता नहीं है, वो डायरेक्ट मुंह में लेने लगता है और उसको चखने लगता है। अर्थात मुंह के माध्यम से वो क्या है उनको जानने की कोशिश कर रहा है, उनकी जिज्ञासा है वो शांत करने की कोशिश कर रहा है। तो शैशवावस्था में जिज्ञासा अधिक होती है, ठीक है भाई। इसमें आत्म प्रेम की भावना होती है। देखो शैशवावस्था में आत्म प्रेम मतलब स्वयं से प्रेम करता है भाई एक बच्चा। आप छोटे से बच्चे से देखना बेटा इसको दे दे बोलना, वो नहीं देखा देगा, उनको बहुत ज्यादा प्यार होता है स्वयं से। आत्म प्रेम मतलब केवल स्वयं का मतलब क्या है यहाँ पर, स्वयं की कुछ भी वस्तु है ना उनके प्रति उनके मन में जो प्रेम है ना वो भी आत्म प्रेम है, ठीक है। खुद के वस्तुओं के प्रति कोई भी चीज पकड़ा है उसको मांग के देखो वो नहीं देगा, ठीक है। अगले बिंदु देखो, इसे खिलौने की आयु कहते हैं। अब खिलौने की आयु मतलब क्या है भाई? देखो खिलौने की आयु मतलब ये जो 2 वर्ष तक का जो बच्चा है खिलौनों को ही खेलता है ना। इस उम्र में क्या वो दूसरा कार्य कर पाएगा? नहीं कर सकता। वो केवल खिलौनों से खेलता है, तरह तरह के खिलौने हम उसके सामने लाते हैं और बच्चा खेलता है, इसलिए खिलौने की आयु इस उम्र को कहा जाता है, ठीक है भाई। अगला विशेषता देखो, बच्चा अनुकरण द्वारा सीखता है। देखो 1-2 वर्ष का बच्चा चुपचाप अपन खटिया में लेते हैं, सूते हैं और टुकुर टुकुर निहारत रहते। का वो रेंगे बोले सकते जी? 1-1.5 साल के लड़का वो तो चुपे चुप निहारा थे ना, अब वो निहारा थे और रेंगे सीख भी गए, थोड़ थोड़ गुंगैया करे, वो भी माता पिता कैसे बात कर रहा है, हाव भाव क्या है, बात करने के तरीके क्या है, उनका अनुकरण कर रहा होता है और वो सीख रहा होता है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बिंदु यह अतार्किक चिंतन। देखो यहां पर तार्किक चिंतन से क्या तात्पर्य है? तार्किक चिंतन मतलब तर्क कर सकता है, ठीक है भाई। देखो तार्किक मतलब तर्क करना, लेकिन यहां पर अतार्किक मतलब क्या 1-2 वर्ष का बच्चा तर्क वितर्क कर सकता है? क्या नहीं कर सकता। ये छोटा सा बच्चा है उनमें तर्क और चिंतन का गुण नहीं होता साथियों, ठीक है। तो ये अतार्किक चिंतन की अवस्था कहलाती है। कौन? तो आपका शैशवावस्था। क्लियर है? शैशवावस्था समझ में आ रहा है साथियों? ये जो नोट्स मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप यदि ये नोट्स चाहते हैं, सीजीटेट पेपर 1 का नोट्स है, 499 रुपए के शुल्क के साथ आप नोट्स को प्राप्त कर सकते हो। सभी विषयों के नोट्स हैं भाई, पेपर 1 प्राइमरी में सभी विषय आपको मिलेंगे 499 रुपए में, केवल एक पेपर 1 के लिए। तो आप खरीद सकते हो, पेपर 2 के नोट्स भी अवेलेबल है भाई, आप उसको भी खरीद पाओगे, ठीक है। इसके लिए आपको एप्लीकेशन में जाना होगा हमारे, वहां से आपको नोट्स जो है मिलेंगी। चलिए दूसरी देखो भाई, ये दूसरी विशेषता हो गई। अभी तीसरी विशेषता में आए तो ये है बाल्यावस्था। आप शैशवावस्था को हमने कहा 0 से 2 वर्ष तक की अवस्था,
बाल्या अवस्था हो गई तो 2 वर्ष से 12 वर्ष की जो अवस्था है बाल्यावस्था कहलाता है। तो ये जो सहस्रावस्था 0 से 2 हो गया, अब बाल्यावस्था आती है तो उसी 2 वर्ष के बाद 2 से 12 वर्ष तक की जो अवस्था है वो बाल्यावस्था में आता है। अब ये बाल्यावस्था के भी 2 प्रकार है ना साथियों, मैं उस पर भी बात करूंगा, वहां से भी आपके प्रश्न बने हुए हैं सीजीटेट में, ठीक है, शिक्षक भर्ती में भी आते हैं आपके। तो बाल्यावस्था ये 2 वर्ष से 12 वर्ष की अवस्था है। अब बच्चा 2 से 12 वर्ष की उम्र में कदम रख रहा है तो एक 12 वर्ष की, एक 10 वर्ष के, एक 9 वर्ष का जो बालक है वो तार्किक चिंतन करना शुरू कर देता है, इसलिए इस अवस्था को तार्किक चिंतन की अवस्था भी कहा जाता है, ठीक है। आरंभिक स्कूल की अवस्था, देखो ये कदम तो 2-3 वर्ष में रखना शुरू किया लेकिन जब ये 6 वर्ष की उम्र में पहुंचता है तो स्कूल जाने लगता है। नर्सरी क्लास की बात करूं तो 3 से 4 वर्ष में बच्चा स्कूल जाने लगता है, तो ये आरंभिक स्कूल की अवस्था होगी ना भाई, कौन तो बाल्यावस्था, ठीक है। देखो आप ये जो उम्र सीमा है ना इसी से आपके ये पॉइंट छिपे हुए हैं, बस आपको समझना होगा। अगला पॉइंट है बाल्यावस्था की, ये गंदी अवस्था भी कहलाता है। क्यों कहलाता है भाई ये गंदी अवस्था? क्योंकि बाल्यावस्था में बालक क्या करता है, अपने दोस्तों के साथ खेलता है, वो परिवार से बाहर निकल गया, अड़ोस में पड़ोस में चिखला में गहिला माँ लद्दी माँ फुतका माँ धुर्रा माँ गिट्टी माँ कुधरा माँ सब जगह क्या करता है, ये खेलने लगता है एक बालक, इसलिए ये गंदी अवस्था भी इसको कहा गया है, ठीक। स्फूर्ति, इस उम्र के जो बालक है ना वो बहुत चंचल होते हैं भाई, खेलते हैं दौड़ते हैं गिरते हैं उठते हैं फिर खेलते हैं, मतलब तुरंत उठेंगे तुरंत रोएंगे तुरंत जागेंगे तुरंत दौड़ने लगते हैं, तो ये स्फूर्ति की अवस्था होती है बाल्यावस्था। खेलों की भी अवस्था है भाई, बच्चा विभिन्न प्रकार के खेल इसी बाल्यावस्था में आकर खेलता है ना, 0 से 2 वर्ष में तो वो सूते हैं चुपे चुप, वो काय खेली, और जैसे ही 2 वर्ष के बाद वो आगे बढ़ गए खेल चालू हो जाते हो कर, तो खेलों की अवस्था है ना भाई। ये संग्रहण की प्रवृत्ति, अब देखो इसी अवस्था में बालक भाषा का संग्रहण करता है, विभिन्न ज्ञान का संग्रहण करता है, साथ ही साथ नैतिक मूल्यों का भी संग्रहण करता है, तो यह संग्रहण की अवस्था कहलाता है। इसी उम्र के बालक, जब आप देखना आपके घर में जो 3-4-5 साल के छोटे छोटे लड़का है ना संगवारी हो, अगर आप मन वही छोटे उम्र में लड़का सिखा बेटा ए मौसी ए बेटा ए बड़े पापा ए प्रणाम करेला पांव परे कर, तो लड़का का करते भाई वो चीज ला करते, तो वो संग्रहण करता है, वो ज्ञान का संग्रहण करता है, वो नैतिक मूल्यों का संग्रहण करता है, वो भाषा का संग्रहण करता है, ठीक है। टोली या समूह में रहने की अवस्था, देखो भाई इस उम्र में बालक टोलियों में रहते हैं ग्रुप में रहते हैं, तो अब देखिए स्कूल, देखिए बच्चा क्या है अपने परिवार से बाहर तो निकला है, तो अब परिवार से बाहर निकला मतलब सब घर से एक एक लड़का निकला थे, तो 10 लड़का हो गए, अब वो 10 लड़का एक ही जगह तो छुड़वा ही ना भाई, खेले कूदे बा टोली बना दे रही समझ में 10 जन कुछ खेला थे क्रिकेट खेला थे तब बोले ग्रुप में हवा है ना भाई, वो 5 के फल्ली खेला थे और कुछ खेला थे नंदिया पहाड़ खेला थे छू छुआउल खेला थे तब वो टोली में खेला थे ना, टोली मतलब समूह, ठीक है। जीवन का अनोखा काल, कल लिखा है भाई काल है ठीक है प्रिंट मिस्टेक है, तो जीवन का अनोखा काल इसी बाल्यकाल को या बाल्यावस्था को कहा गया है। क्यों साथियों? कोई प्रकार की चिंता नहीं है आपको बाल्यकाल में, बिंदास जीवन जीता है जीवन का, इसलिए सबसे अनोखा काल बाल्यकाल को माना गया है, ठीक है ना, समझ गए। अब देखो बाल्यकाल को 2 भागों में बांटा गया है, कितने भागों में बांटा गया है,
दो भागों में बांटा गया है, सीजी टेट की परीक्षा में इसी से आया हुआ है प्रश्न। तो अब बाल्यकाल को कौन कौन से दो भाग, एक तो है प्रारंभिक या पूर्व बाल्यावस्था और दूसरा है उत्तर या परवर्ती बाल्यावस्था। अब इन्हीं दोनों के बारे में विस्तार से मैं बात करूंगा, ठीक है, ज्यादा विस्तार से बात नहीं करेंगे भाई, क्योंकि बाल्यावस्था को तो हमने अच्छे से देख लिया है ना। देखो, सबसे पहले आता है बाल्यावस्था के प्रकार में प्रारंभिक बाल्यावस्था। अब प्रारंभिक अर्थात जो बाल्यकाल शुरू होता है, मतलब देखो 2 वर्ष से 12 वर्ष तक की मैंने बाल्यकाल की उम्र सीमा अभी बताई है ना, उनमें से 2 से 6 वर्ष प्रारंभिक बाल्यकाल है और 6 से 12 वर्ष क्या है भाई, प्रारंभिक के बाद उत्तर बाल्यकाल है, ठीक है। तो प्रारंभिक बाल्यकाल को जिसको पूर्व बाल्यकाल कहते हैं, इसको देखो तो 2 से 6 वर्ष की बालक में क्या क्या विशेषता होंगी, तो इस उम्र में बालक चलना दौड़ना बोलना सीखते हैं, सीखते हैं ना भाई, 2 वर्ष 2.5 वर्ष 3 वर्ष का बालक चलने भी लगता है, दौड़ने भी लगता है, बोलना भी सीखने लगता है। और मैं यहां पर आपको बता दूं, भाषाई एक 4 वर्ष का बालक भाषाई दृष्टि से पूर्ण वयस्क होता है, याद रखना 4 वर्ष का बालक भाषाई दृष्टि से पूर्ण वयस्क होता है। कहने से तात्पर्य है 4 वर्ष का जो बालक है वह बड़ों की तरह बातचीत कर सकता है। और इसी प्रारंभिक बाल्यावस्था में बच्चे मल मूत्र का त्याग करना सीखते हैं, मतलब कहने का तात्पर्य है जब बच्चा 0 से 2 वर्ष में होता है ना साथियों, तो आप उनको बोलोगे, माँ उनको बोलती है कि बेटा छिछी लगा थे, बेटा ऐसे लगा थे, बेटा वो लगा थे, बेटा ओती जाबे का, तो आप उनको बताते हो कब, 0 से 2 वर्ष। लेकिन जैसे ही बच्चा 2 वर्ष के बाद 2 से 6 वर्ष में वो पहुंचता है, बच्चा खुद बताएगा कि मम्मी मोला छिछी लगा थे, मम्मी मैं यहाँ जहाँ, मम्मी मैं वहां जहाँ, मम्मी मोला प्यास लगा थे, मम्मी मोला भूख लगा थे, ये बच्चा खुद बताता है ना। तो मलमूत्र का बच्चा त्याग करना सीखता है, ठीक है भाई। सही और गलत में विभेद करना भी सीखने लगता है, स्टार्टिंग स्टेज है भाई ये, सही और गलत की पहचान करना भी बच्चा इसी प्रारंभिक बाल्यावस्था में सीखता है, क्लियर है। अब देखो इसमें उत्तर बाल्यावस्था आती है दूसरा, उत्तर बाल्यावस्था इसकी उम्र सीमा 6 से 12 वर्ष, ठीक है, शेष जो वर्ष है अर्थात 2 से 6 प्रारंभिक हो गया तो 6 से 12 उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था की विशेषता में आइए तो देखिए, आरंभिक स्कूल की अवस्था है, ये उम्र जो है स्कूल की आरंभिक अवस्था है, इसको भी बोलते हैं ना, क्यों, क्योंकि बच्चा स्कूल जाना शुरू करता है, ठीक है, खेलों से शारीरिक विकास सीखता है। अब 6-7 साल में बच्चा क्या है, खेलने कूदने लगता है, उनका शारीरिक विकास होने लगता है, ठीक है, अपने हम उम्र के साथियों के साथ मिलना जुलना खेलते, मिलना जुलना सीखता है। देखो भाई, एक पहली कक्षा में भर्ती हुआ, कई पारा, केवट पारा, देवांगन पारा, यादव पारा, राउत पारा, कुर्मी पारा, पटेल पारा, मरार पारा, जम्मू पारा के लइका मन एक स्कूल में आते, अब एक स्कूल में आके मिलना जुलना सीखा थे, है ना भाई। तो हम उम्र देखो, एक ही उम्र के साथ ही तो पढ़ेंगे ना, पहली माँ धन पहली में एक जन 6 वर्ष के लइका है, एक जन 15 साल के लइका, इसमें थोड़ी होते जी, एक के उम्र, इसलिए ये पॉइंट रखा गया है, हम उम्र साथी के साथ मिलना जुलना सीखते हैं, ठीक है, पुरुषोचित स्त्रियोचित की भूमिकाएं सीखते हैं। कहने का क्या तात्पर्य है, 6 से कम वर्ष के लइका अगर घर में खेला थे, 2-3 साल के लइका है, बोला अपन लड़की है तभोले लड़का वाला पहना दे, लड़का है तभोले साटी पहना दे, होते ना भाई। लेकिन जब लड़का 6 वर्ष की उम्र में प्रवेश करने लगता है, उत्तर बाल्यावस्था में जब वो लड़का या लड़की, बालक या बालिकाएं प्रवेश करने लगते हैं उत्तर बाल्यावस्था में, वो जानने लगता है कि मैं लड़की हूं, मुझे लड़की जैसा पहनना है, ये लड़का है, इनको लड़के जैसी भूमिकाएं रखनी है। तो
स्त्रियों चित्त और पुरुषों चित्त की जो भूमिकाएं हैं भी वो बालक उत्तर बाल्यावस्था में सीखने लगता है। ठीक है भाई, उसके बाद पढ़ना लिखना इसी उम्र में सीखता है। देखो पढ़ना लिखना गढ़ना अर्थात गणना करना, ठीक है, गणना करना गिनना, इसी स्कूल जाने की जो उम्र सीमा होती है ना इसी में सीखता है। नैतिक मूल्य और विवेक का ज्ञान होता है, क्या सही है क्या गलत है, इसी 6 वर्ष की जो उम्र है उस उम्र में बच्चा सीखता है। सामाजिक समूह का विकास होता है, कैसे होगा भाई, जहां 4 बच्चे एक साथ आए वहां तो सामाजिक समूह का विकास होना शुरू हो गया ना भाई, तो सामाजिक समूह का विकास होता है। द्रव्यमान संख्या व क्षेत्र का विकास इसी उत्तर बाल्यावस्था में होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, लगातार 2 से 3 बार आया है सीजीटेट में भाई। तो द्रव्यमान संख्या व क्षेत्र का उत्तर बाल्यावस्था में विकास होता है, द्रव्यमान का ए, बी द्रव्यमान व क्षेत्र का, सी द्रव्यमान क्षेत्र व संख्या का, या डी इनमें से कोई नहीं। तो द्रव्यमान संख्या व क्षेत्र का विकास इसी उत्तर बाल्यकाल में होता है, क्यों, क्योंकि ये स्कूल जाने की अवस्था है, और स्कूल जाने की अवस्था है तो वजन तो जानेगा ही, संख्या तो जानेगा ही, वो क्षेत्र के बारे में भी बताता है, स्थान कितना स्थान घेरता है उसके बारे में भी, है ना। तो ये तीनों चीजों का बाल्यकाल में विकास होता है। क्लियर है भाई, बाल्यकाल भी समझ गए ना। अब मैं बात करूं यहां पर किशोरावस्था की, जिसको युवावस्था भी कहा गया है, टीन एज भी कहा गया है, बिल्कुल सटीक बात करूंगा भाई इसको भी। यहां से बहुत सारे प्रश्न आपके बने हैं। देखो इनकी उम्र सीमा किशोरावस्था की 13 वर्ष से 18 वर्ष होती है। अब देखो भाई यहां पर कैसे इसको याद रखना है, किशोर एक युवक जो जुनून से भरा रहता है, आप जानते हैं उतावलापन रहता है किशोरों में, जवानी के जोश कही थन ना, इसी उम्र को कहते हैं। देखो किशोरावस्था उसको अंग्रेजी में बोलते हैं ना टीनएजर्स, टीन एज और टीन तनाटन। तो टीन मतलब क्या है भाई, टीन जो आप 1-2 जानते हो ना, तो देखो 10 में नहीं आया टीन, 11-12 12 तक नहीं आ रहा है, जैसे ही आप 13 में कदम रखते हो ना साथियों 13 आ गया, 14 आ गया, 15 आ गया, 16 आ गया, 17 आ गया, 18 आ गया, 19। तो 13 से 19 वर्ष तक भी आप इस अवस्था को मान सकते हो, अर्थात टीन एज इसी युवावस्था या किशोरावस्था को कहा जाता है। नाम सुने होंगे टीनएजर्स, टीनएज के गा कथे लड़का छे भी कथे, तो टीनएज मतलब युवावस्था में वो कदम रख चुके हैं। तो अब जब बच्चा टीनएज में किशोर अवस्था में प्रवेश कर चुका है, 13 से 19 वर्ष की उम्र में प्रवेश कर चुका है, तो उनमें क्या क्या विशेषता आएंगी ये तो आप जान लो, और इसके साथ उनके बारे में अनेक सिद्धांत देने वालों ने कहा है, कथन दिया है भाई, इसी कथन को आपको याद रखना है किशोरावस्था से जुड़ा हुआ। तो देखो जीवन का सबसे कठिन काल माना, किसने माना, किल पैट्रिक ने, याद रखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जीवन का सबसे कठिन काल माना है किल पैट्रिक ने, नया जन्म का काल माना है स्टेनले हॉल ने, ठीक है, दबाव तूफान संघर्ष तनाव की अवस्था भी स्टेनले हॉल ने ही कहा है। इसके अलावा किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति का एक नाजुक समय है वेलेंटाइन ने भी कहा है। क्यों, क्योंकि इसको पहले मैं समझाते हुए चलता हूं साथियों, शुरू से आइए देखिए, जीवन का सबसे कठिन काल किशोरावस्था को कहा है किल पैट्रिक ने, कैसे कहा है भाई, तो इस काल में बहुत ज्यादा किशोरों में उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, बहुत ही कठिन स्तर इसीलिए है। नया जन्म का काल मतलब इसमें बच्चे की पूरी हर व्यवहार एक नयापन लिए रहता है, समझ ही नहीं आता है किशोर के व्यवहार को, इसलिए नया जन्म का काल कहा है स्टेनले हॉल ने।
दबाव, तूफान, संघर्ष, तनाव की अवस्था है, स्टेनले हॉल ने कहा है। दबाव की अवस्था, तूफान की अवस्था, लड़ाई झगड़ा करते हैं भाई इस उम्र में, युवा ताजा खून जोश होता है, ठीक है। किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति का नाजुक समय है। अब ये जो किशोर बच्चे होते हैं ना, ये विपरीत लिंगों के प्रति आकर्षण का गुण आ जाता है, समझ रहे हैं ना, विपरीत लिंगों के प्रति आकर्षण का जो गुण आ जाता है, और यही विपरीत लिंगों की प्रति, अर्थात लड़का है तो लड़की को देख के आकर्षित होगा, लड़की है तो लड़कों के देखकर आकर्षित होता है, ये स्वतः गुण है भाई, ये स्वाभाविक गुण है, इस एज में ये चीजें कॉमन होती है, और यही वजह है कि उसको अपराध की ओर ले जाता है, अपराध प्रवृत्ति का नाजुक समय, वेलेंटाइन ने कहा है, ठीक है। उसके बाद देखो, किशोरावस्था शैशवावस्था का पुनरावर्तन है। जैसे शैशवावस्था में बच्चा हर चीज सीखना शुरू करता है, ठीक वैसे ही किशोरावस्था भी स्टार्टिंग एज है जिसमें बच्चा कुछ नया चीज सीखने लगता है, ठीक है भाई। किशोरावस्था महाआदर्शों व वास्तविकताओं से अनुकूलन का समय है। देखो, ये जो किशोरावस्था है, महाआदर्श और वास्तविकताओं से अनुकूलन करने का समय है, ठीक है। वास्तविकता से उनका परिचय होता है, आदर्शों से उनका परिचय होता है एक किशोर का, भाई उस स्थिति से गुजरता है, वह पाबंदियों से भी गुजरता है, उनके लिए नियम बनाए जाते हैं घर में कि तय ये चीज बिल्कुल झन कर, बे बदमाश हो गए हैं, सहसा है वैसा है ना भाई। तो इसको जिन प्याज ने कहा है, इसमें मैंने अभी कहा आपको, इसके प्रमुख विशेषता विषम लिंगी आकर्षण, मतलब लड़का है तो लड़की को देखकर आकर्षित होगा, लड़की है तो लड़के को देखकर आकर्षित होते हैं, ठीक है भाई। वीर पूजा की भावना, इसमें जो वीरता है ना, जोश भरी रहती है। देखना भाई, कहीं लड़ाई झगड़ा होते हैं, मारपीट बाघवा रहे थे आजकल के युवा जवान, जोश खून, समझ रहे हो ना, मारपीट बा अगवाए हो, गदर मचा से आओ, जबरन जा से चार जन, कुछ हुई तो फोन कर बे रे मैं आता, ऐसे हो रहा है। तो कौन वीर पूजा की भावना होती है भाई इसमें। अमूर्त चिंतन की अवस्था है। अमूर्त चिंतन मतलब, मूर्त मतलब ठोस, अमूर्त मतलब कल्पना, तो जो चीजें सामने नहीं है वो कल्पना भी कर सकता है। कब? किशोरावस्था। मान लीजिए किशोर बालक दिल्ली मुंबई आगरा नहीं देखा, वो कल्पना करके बता सकता है कि दिल्ली ऐसा होगा, मुंबई ऐसा होगा, या आगरा ऐसी होगी, ठीक है भाई। तो ये तो रहा किशोरावस्था की विशेषता है। तो ये चार अवस्था है, क्या क्या चार अवस्था देखा भाई हमने? सबसे पहले हमने देखा, क्या देखा? गर्भावस्था, ठीक है, गर्भावस्था हमने देखा। दूसरा हमने देखा बाल्यावस्था। तीसरा हमने क्या देखा भाई? किशोरावस्था और बाल्यावस्था। देखो गर्भावस्था के बाद हमने दूसरा देखा शैशवावस्था, ठीक है, तीसरा हमने देखा बाल्यावस्था, और चौथा हमने देखा किशोरावस्था। तो ये चार अवस्थाओं का हमने इस वीडियो में जिक्र किया है। अब अगला बढ़ते हैं, वंशानुक्रम और वातावरण क्या होता है, इसको प्रकृति और पोषण का भी नाम दिया गया है। तो सबसे पहले प्रकृति है क्या चीज, उसको समझो। तो प्रकृति को हम परिभाषित कर रहे हैं भाई, तो प्रकृति बच्चों के वंशानुक्रम कारणों या जिन को संदर्भित करता है। देखो प्रकृति मतलब वंशानुक्रम, वंश, और पोषण मतलब वातावरण, ठीक है। प्रकृति मतलब उसके वंश से, पूर्वज से, तो यह वंशानुक्रम कारणों को निर्देशित करता है, यह जो न केवल बच्चे की शारीरिक उपस्थिति को परिभाषित करता है बल्कि बच्चे के लक्षणों के निर्माण में भी मदद करता है। देखो ये जो प्रकृति जिसको वंशानुक्रम कहा गया है, ये न केवल बच्चों के जिन को परिभाषित करता है बल्कि बच्चों की शारीरिक बनावट कैसे होगी, उसका रंग रूप कैसा होगा,
ये अनुवांशिकता तय करता है ना भाई। यदि माता पिता का रंग सांवला है तो बेटा सांवला होगा, माता पिता की ऊंचाई मान लो कम है तो उनके बच्चों की ऊंचाई भी कम होती है ना। माता पिता के बाल कम है, पिताजी के जल्दी चंदवा हो जाते तो लोग लड़का मन घलाक जल्दी चंदवा हो जाते, है ना भाई। तो यही प्रकृति है जिसको वंशानुक्रम का नाम दिया गया है, ये वंश की बात करता है, ठीक है। तो शारीरिक लक्षणों पर इस वंशानुक्रम का प्रभाव सबसे ज्यादा पड़ता है, ठीक है। अब वंशानुक्रम के बाद आनुवंशिकता क्या होती है इसको पहले समझो, क्योंकि बार बार आया ना इसमें प्रकृति में वंशानुक्रम बार बार आ रहा है, अनुवांशिकता बार बार आ रहा है। क्या है भाई अनुवांशिकता? तो माता पिता या पूर्वजों द्वारा गुणों का स्थानांतरण उनके बच्चे या आने वाली पीढ़ी में होता है, यही अनुवांशिकता कहलाता है। यह एक स्थिर सामाजिक संरचना है, यहां से आपके प्रश्न बनते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट। अनुवांशिकता क्या है भाई? एक स्थिर सामाजिक संरचना है। मैंने अभी कहा माता पिता के गुण बेटा बेटी में आ रहे हैं, क्योंकि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी पे वो क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, यही अनुवांशिकता है, ठीक है भाई। अब देखो जिन को समझो, जिन क्या है? तो माता पिता या पूर्वजों के जो गुण का स्थानांतरण जिसके कारण होता है वह कारण का नाम ही जिन है, ठीक है। अब प्रत्यागमन का सिद्धांत भी देख लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। तो प्रत्यागमन का सिद्धांत, प्रतिभाशाली माता पिता के बच्चे सामान्य बुद्धि के हो सकते हैं, यही प्रत्यागमन का सिद्धांत है। देखो अक्सर देखना जिनके माता पिता ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते ना बच्चों, देखो साथियों जिनके माता पिता ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते ना उनके बेटे बेटियां भी होशियार हो सकते हैं, बहुत ज्यादा होशियार हो जाते हैं। और कभी कभी माता पिता बड़े बड़े पद में है, शिक्षक हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, लेकिन उनके बेटे लोग पढ़ाई में कमजोर हो जाते हैं। तो यही नियम क्या कहलाता है भाई? यही सिद्धांत प्रत्यागमन का सिद्धांत कहलाता है। अर्थात माता पिता या प्रभावशाली माता पिता के बच्चे का सामान्य बुद्धि का हो जाना ही प्रत्यागमन का सिद्धांत है, ठीक है। अब देखो प्रकृति देख लिया हमने, वंशानुक्रम, वातावरण, अब देखो पोषण क्या होता है। तो पोषण का तात्पर्य विभिन्न पर्यावरणीय कारकों से है जो हमारे व्यक्तित्व लक्षणों, हमारे बचपन के अनुभवों, बच्चों के परिवेश, सामाजिक संबंधों के बारे में बताते हैं। कौन? तो आपका पोषण। अब पोषण से तात्पर्य यहाँ पर पर्यावरण कारक से है, अर्थात बच्चों को कैसा माहौल मिलता है और बच्चा माहौल के हिसाब से ही बच्चा का विकास होता है ना। तो व्यक्तित्व का जो लक्षण है, बचपन के अनुभव, उनके परिवेश, उनके सामाजिक संबंध से भी सुनिश्चित होता है। अर्थात बच्चे अपने परिवेश से क्या जान पा रहे हैं, क्या समझ पा रहे हैं, उनके परिवेश उनको कितना हेल्प कर रहा है, ये भी जो है विकास को प्रभावित करता है, ठीक है भाई। तो ये है आपका अनुवांशिकता और वातावरण, ठीक है साथियों। यहां पर जरूरी फैक्ट, मैंने कहा था कि रास महोदय के अनुसार चार प्रकार की अवस्था होती है, ठीक है। बाल्य विकास की अवस्था चार प्रकार की है, क्या क्या? तो इसको क्या क्या ये जानना जरूरी नहीं है भाई, आपके सिर्फ यही प्रश्न आया हुआ है लगातार कई बार कि रॉस महोदय के अनुसार बाल विकास की कितनी अवस्था होती है। तो रॉस महोदय के अनुसार चार प्रकार की और हरलॉक के अनुसार 11 प्रकार की विकास की अवस्था होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है भाई। देखो साथियों नोट्स चाहिए तो बिल्कुल भाई हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर में जाकर, ठीक है। वहां से आपको 499 में सभी विषय मिलेंगी। अंतिम फिर आज का वृद्धि और विकास खत्म होगा। वृद्धि और विकास के अंतर को एक बार समझिए अच्छे से। तो देखिए साथियों वृद्धि, अब चूंकि हमने परिभाषित रूप से बता दिया है वृद्धि और विकास को अच्छे से, तो वृद्धि मतलब
शरीर का आकार बढ़ता है ना, तो वो वृद्धि है। विकास मतलब इसमें बुद्धि बढ़ेगा, सामाजिक विज्ञान होगा, सामाजिक संवेगात्मक पक्ष उसके परिवर्तन होने लगेंगे, सामाजिक सार्वजनिक, देखो इसमें संवेगात्मक पक्ष स्ट्रांग होगा, मानसिक पक्ष स्ट्रांग होगा, तो ये विकास है। बुद्धि बाह्य होता है, जैसे बच्चा क्या है, हाइट बढ़ा हम देख पाते हैं, लंबाई बढ़ा हम देख पाते हैं, मोटाई बढ़ा हम देख पाते हैं, इसलिए ये वृद्धि क्या है, बुद्धि वृद्धि जो है बाह्य होता है, जबकि विकास आंतरिक और बाह्य दोनों हो सकते हैं। अगला बिंदु है वृद्धि क्या है भाई, कुछ समय के बाद में वृद्धि रुक जाती है, जबकि विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। वृद्धि के संबंध में देखिए, इसका कोई निश्चित क्रम नहीं है भाई, वृद्धि जरूरी नहीं है कि केवल लंबाई में ही वृद्धि हो, मोटाई में भी वृद्धि हो सकती है, जबकि विकास एक निश्चित क्रम में होता है, एक निश्चित दिशा होती है ना भाई। एक पहले बच्चा भ्रूण में रहेगा, फिर थोड़ा विकास होगा तो शिशु बनेगा, फिर उसका विकास होगा तो फिर सस्वा बाल्य बनेगा, बालक बनेगा, बालक से जब विकास होगा किशोर बनेगा, किशोर से विकास होगा तो वृद्धावस्था में वो प्रवेश करता है। ठीक है भाई, ये निश्चित क्रम में होता है। वृद्धि दिशाहीन होता है, जरूरी नहीं है कि लंबाई बढ़ेगी, इंच पार बढ़ी, कंघी बढ़ी, जबकि विकास एक निश्चित दिशा में होता है। ठीक है, तो ये है वृद्धि और विकास जिसके बारे में आप जान रहे हो। अगली बिंदु आती है, इसमें वृद्धि का मापन संभव है भाई। हाइट है, टेप से माप सकते हो, वजन है, किलो वाट से माप सकते हो, इसलिए परिमाणात्मक होता है, जबकि विकास को सीधे तौर पर मापना कठिन है और इसको गुणात्मक और परिमाणात्मक दोनों रूपों में इसको हम मापन करते हैं। ठीक है, अब वृद्धि होने पर विकास होगा ये जरूरी नहीं है, जबकि विकास वृद्धि के बिना भी संभव है। ठीक है भाई, ये वृद्धि और विकास हैं, वृद्धि और विकास से जुड़े हुए अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है जो आज की सेशन में समाप्त है। ठीक है भाई, आज की सेशन में मैं समाप्त कर रहा हूँ। वृद्धि और विकास ये दोनों चैप्टर क्लास वन में और क्लास टू, आज के इस दोनों वीडियो से आपकी जो क्लास है वो पूरी तरीके से समाप्त हो गई, दोनों क्लास। ठीक है, अब वृद्धि और विकास वो समाप्त हो गई। अंतिम में इसमें एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ साथियों, छोटा सा टॉपिक है भाई, समाजीकरण। तो सोशलाइजेशन जिसको बोलते हैं ना, समाजीकरण क्या होता है देख लो। तो समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे मानव समाज के द्वारा सीखता है और यह सीखने की प्रक्रिया जीवन भर चलना रहता है। देखो, समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें बच्चा समाज से सीखता है, मतलब समाज के लोगों से सीख रहा है। चार लोग जब आपस में आते हैं ना, तो वही समाजीकरण हो जाती है। और समाजीकरण की इकाइयां क्या क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। सबसे पहली इकाई है क्या, तो आपका परिवार। सबसे पहली परिवार से सीखता है ना बालक, चार लोग आते हैं परिवार में भी, सबसे पहला समाजीकरण की इकाई परिवार आता है। उसके बाद बच्चा विद्यालय में सीखता है, विद्यालय के अलावा बच्चा अध्यापक से सीखता है और खेल के मैदान से भी बालक सीखता है। तो ये समाजीकरण की इकाई है, परिवार, अध्यापक, विद्यालय, खेल, ये सभी। ठीक है ना, उसके बाद में आता है साथियों समाजीकरण की इकाइयां, उनके प्रकार। तो समाजीकरण की दो एजेंसी काम करती है, क्या क्या एजेंसी है भाई, एक तो है सक्रिय एजेंसी और दूसरा है निष्क्रिय एजेंसी। ठीक है, अब ये सक्रिय और निष्क्रिय एजेंसी होता क्या है, तो देखो सक्रिय मतलब जो सक्रिय है, तो इसमें बच्चे पर सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है, मतलब जैसे परिवार है, बच्चा परिवार में है, वो सक्रिय एजेंसी है, डायरेक्ट जो है उस परिवार से सीख रहा है, दोस्तों से भी वो डायरेक्ट सीखता है, पड़ोसी से, रिश्तेदार से भी वो क्या करता है, डायरेक्ट, अर्थात जिससे बच्चा डायरेक्ट सीख रहा होता है तो वह क्या है भाई, सक्रिय एजेंसी कहलाता है। मतलब सीखता किससे है, किसी एक से नहीं सीखेगा, चार लोग हो जहां, अगर बच्चा वहीं से सीख रहा है तभी समाजीकरण है भाई, याद रखना। दूसरी है निष्क्रिय एजेंसी,
इसमें बच्चे पर सीधा प्रभाव नहीं पड़ता। देखो सक्रिय एजेंसी पर बच्चे पर सीधा प्रभाव पड़ता है, बच्चा क्या करता है डायरेक्ट सीखता है, जबकि निष्क्रिय एजेंसी में बच्चे पर सीधा प्रभाव नहीं पड़ता। अब ये इसको सीखना है, अब उसने गलत कर लिया, सीखा नहीं, पुलिस की डंडा पड़ती है तो बच्चा सीखता है। सार्वजनिक पुस्तकालय में पढ़ रहा है, रेलवे स्टेशन में है, तो बच्चा क्या करता है भाई, सीखता है। ठीक है, समाजीकरण की प्रक्रिया की मैं बात करूं तो अनेकों प्रक्रियाएं हैं, जैसे पालन पोषण, सहयोग करना, अनुकरण करना, दंड और पुरस्कार देना, साथ ही साथ ये जो चारों पांचों प्रक्रिया है वो समाजीकरण की प्रक्रिया है। ठीक है भाई, जरूरी बात जो डिब्बे में सो हो रही है, बालक का समाजीकरण शैशवावस्था से ही शुरू हो जाता है। ठीक है ना भाई, तो इन बिंदुओं को विशेष कर आपको ध्यान देना होगा। चूंकि साथियों आप सभी पेड वाले साथी हैं, पेड क्लास का आनंद ले रहे हैं, इसलिए हर वो चीज मेरा फर्ज है कि मैं आप सबको बताऊं। हमारे साथ जुड़े रहेंगे भाई, सभी प्रकार की अपडेट आप सभी तक साझा होते रहेगी। चलिए अगले टॉपिक पर मैं बात करूंगा, बुद्धि पर। कल हम बुद्धि पर बात करेंगे, कल का हमारा जो वीडियो रहेगा बुद्धि पर आधारित रहेगा भाई, सभी साथी बुद्धि को अच्छे से पढ़ लेंगे। चलिए ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे भाई।